more and more people are giving up Indian citizenship. Is that a lot of Indians are surrendering the Indian passport. 3.92 lakh people, that's nearly 4 lakh people shipping out of India and relinquishing their Indian passports. एक वक्त ऐसा था जब दुनिया भर से लोग भारत आते थे। सातवीं शताब्दी में चीन से विनसोंग का भारत आना हो, ग्यारहवीं शताब्दी में अलवरूनी का भारत आना हो या फिर चौदहवीं शताब्दी में मोरक्को के इब्न बतूता का भारत आना हो, अलग अलग समय पर ग्रीक के सिकंदर से लेकर मुगल और अंग्रेज तक भारत आए। हमारे देश की विरासत ऐसी रही है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आते थे और यहीं बस जाते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा और फिर ऐसा घूमा कि चीजें बिल्कुल उलट हो गईं। मौजूदा समय में दुनिया के दूसरे देशों से आकर भारत में बसने की बात तो छोड़िए, हर साल लाखों भारतीय देश छोड़ रहे हैं। ये ऐसी हकीकत है जो आपको कड़वी तो लग सकती है, लेकिन ये सच है। सिर्फ साल 2022 में ही 2,25,620 भारतीयों ने भारत को छोड़ दिया, वो दूसरे देशों में जाकर बस गए। आप सोचिए कि वो देश जो दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहा है, IMF के मुताबिक हमारा विकास दर 6.3% रहने का अनुमान है, उस देश को उसके अपने ही लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों छोड़ रहे हैं? आप ये भी सोचिए कि वो देश जो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वहाँ से इतने लोग हर साल कहाँ चले जाते हैं? आप ये भी सोचिए कि जो देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है, वहाँ से 15 साल में करीब 20 लाख लोग देश छोड़कर क्यों चले गए? आज का ड्राफ्ट इन्हीं चुपते सवालों पर तैयार किया गया है, जिसमें हमारा पहला सवाल है, भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं भारतीय? भारत छोड़ने वाले भारतीय किस देश में बसते हैं? भारत छोड़ने के बाद भारतवंशी कभी वापस लौटते हैं या नहीं? इन तीन सवालों पर बात करेंगे, लेकिन हमने ये वीडियो क्यों बनाया है पहले वो समझ लीजिए। दरअसल संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि इस साल कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। विदेश मंत्रालय ने इस पर जो जवाब दिया उसमें कुछ इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। 2011 से 2023 के बीच पिछले 13 साल में 17,50,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2011 में 1,22,819 लोगों ने भारत छोड़ा था। साल 2020 में कोरोना के दौरान सबसे कम 85,256 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी थी। 2022 में सबसे ज्यादा 2,25,620 भारतीयों ने भारत को छोड़ दिया और 2023 में जून तक 87,026 लोगों ने देश छोड़ दिया था। सरकार के आंकड़ों के बाद अब आते हैं मूल सवाल पर, आखिर भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं भारतीय? अलग अलग एक्सपर्ट से बात करके हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसमें तीन बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली बात बेहतर करियर, दूसरी बात बेहतर जिंदगी और तीसरी बात हैवी टैक्सेशन। सरकार के आंकड़े में जो एक बात और सामने आई उसमें ये कि भारत छोड़ने वाले करोड़पति भारतीयों की संख्या केवल 2.5% है, जबकि बाकी 97.5% लोग नौकरी पेशा हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर रिच ही भारत छोड़ रहे हैं, बल्कि बेहतर करियर और पैसे के लिए युवाओं में देश छोड़कर विदेश में सेटल होने का क्रेज बढ़ा है। भारत में औसत लेबर कॉस्ट प्रति घंटे 170 रुपए है, ब्रिटेन में 945 रुपए और अमेरिका में ये 596 रुपए है। इसके साथ ही इन देशों में लेबर लॉ का सख्ती से पालन किया जाता है, इसलिए इन देशों में काम करना लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है बेहतर जिंदगी। हमारे रिसर्च में ये सामने आया है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत यूरोप में रहने वाले लोगों की सोशल सिक्योरिटी ज्यादा है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार लेती है, बीमार पड़ने पर इलाज की जिम्मेदारी सरकार लेती है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार का रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर होता है। ऐसी स्थिति में आप जो कमाते हैं वो आपकी बचत होती है, जिसे आप बेहतर जिंदगी जीने में खर्च करते हैं, इसलिए लोगों में इन देशों में बसने का क्रेज बढ़ा है। तीसरी बड़ी वजह है टैक्सेशन। भारत में सैलरी क्लास पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है। अगर भारत में किसी व्यक्ति की एनुअल सैलरी 50 लाख रुपए है तो उसे 12 से 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा रोड टैक्स, टोल टैक्स, GST, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, एग्रीकल्चर सेस समेत इतने तरह के टैक्स होते हैं कि आदमी जितना कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। बदले में उसे वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो विकसित देशों के लोगों को मिलती है। हमारी बातचीत में कई लोग ऐसे भी मिले
जिन्हें भारत में सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन वो एक एक दिन में तीन तीन घंटे ट्रैफिक में फंसते हैं। ना उनके पास खुद के लिए समय होता है, ना ही परिवार के लिए। उनका पॉइंट ये है कि सरकार इतना टैक्स तो लेती है, बदले में उन्हें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती। ऐसे में भारत छोड़कर उन देशों में जाकर रहना ज्यादा बेहतर है जहाँ ये समस्याएं नहीं है। भारत छोड़कर विदेशों में रहने वाले भारतवंशियों का ये भी कहना है कि अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में ट्रैफिक की समस्या, क्राइम और करप्शन कम है, जिससे उनकी जिंदगी आसान होती है, इसलिए वो इन देशों को चुनते हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, भारत छोड़ने वाले भारतीय सबसे ज्यादा किस देश में बसते हैं? भारतीयों में अभी भी अमेरिकन ड्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए साल 2021 में 78,000 से ज्यादा भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ली। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा, जहां 23,533 भारतीयों ने नागरिकता ली। इसके बाद तीसरे नंबर पर कनाडा और चौथे नंबर पर ब्रिटेन रहा। वैसे भारत से बाहर सबसे ज्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं। अकेले अमेरिका में 44,00,000 से ज्यादा भारतवंशी रहते हैं, जो अमेरिका में बड़ी भूमिका में हैं। वैसे सरकार ये दावा करती है कि बेहतर जिंदगी और नौकरी के अवसर के कारण सबसे ज्यादा नौकरी पेशा लोग अमेरिका जैसे देशों में बसते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। देश का अमीर तबका भी दूसरे देशों में जाकर बस रहा है। हेनलेप की इसी साल की रिपोर्ट कहती है कि 2023 में देश से 6,500 सुपर रिच या फिर करोड़पति देश छोड़कर जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऐसे देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हो सकता है जहां से सबसे ज्यादा करोड़पति देश छोड़ रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत, फिर रूस और ब्राजील हैं। हालांकि ये भी सच है कि मिडिल क्लास अमेरिका और कनाडा जाकर बसना पसंद करता है, तो सुपर रिच की पसंद दुबई और सिंगापुर जैसे देश हैं। ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट और आसान टैक्स नियमों की चाह इसकी एक बड़ी वजह है। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, भारत छोड़ने के बाद भारतवंशी क्या कभी वापस लौटते हैं या नहीं? एक बार नागरिकता छोड़ चुके लोगों के वापस लौटने की संख्या सरकार ने अब तक तो जारी नहीं की है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह है नागरिकता। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक बनना चाहते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता पहले छोड़नी पड़ेगी, और एक बार नागरिकता छोड़ने के बाद फिर से नागरिक बनने में कई मुश्किलें हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोप के दूसरी जगहों पर जिंदगी आरामदायक है, तो फिर कोई वापस क्यों आना चाहेगा? इस सब के अलावा ये भी सच है कि भारतीयों के पलायन का एक लंबा इतिहास रहा है। भारतीय दुनिया भर में तकरीबन हर जगह हैं। भारतीयों का बाहर जाना और रहना 200 साल पहले शुरू हो गया था। 18वीं सदी के आखिर से भारतीयों ने व्यापार से लेकर कामकाज की तलाश में बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में बसना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि दुनिया के कई देश तो ऐसे हैं जहां भारतवंशी उस देश की अगुवाई कर रहे हैं, फिर चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हों, या फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ हों। वैसे इस एपिसोड को तैयार करने के दौरान हमें कुछ ऐसे भारतवंशी भी मिले जिन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर मौजूदा आर्थिक हालात बने रहे तो वे जरूर वापस लौटना चाहेंगे। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।